कट की एक नायाब जड़ी बूटी माहरीन इसे इस्तेमाल करने का मशवरा क्यों देते हैं जो आपको इसे खरीदने पर मजबूर कर दे। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जमाने कदीम से होता आ रहा है और आज भी इस जदीद दौर में इनकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई क्योंकि कहीं ना कहीं ये अद्वियात या नुस्खों के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक कुदरती तोहफा है जिसमें हैरतअंगेज तौर पर मुख्तलिफ फवायद पाए जाते हैं। इसी तरह कटकी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये एक नायाब जड़ी बूटी है जिसको घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है और माहरीन इसके इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। कटकी के सेहत बख्श फवायद क्या हैं? नंबर एक, सांस लेने में दुश्वारी। कटकी में एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात मौजूद होती हैं। इसके इस्तेमाल से सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं होता। ये सांस से जुड़े मसाइल को खत्म करके सांस लेने के अमल में आसानी पैदा करती है। इसका इस्तेमाल दमे के मरीजों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कुव्वत मदाफत में इजाफा होता है और ये नाक के इन्फेक्शन को दूर करने में भी मुआवन साबित होती है। नंबर दो, बुखार से निजात की कुदरती दवा। जब हम बुखार में मुब्तला होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम बुखार को कम करने के लिए दवा लेते हैं ताकि जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाए। कटकी भी इस गोली की तरह काम करते हुए बुखार को खत्म करने में फौरी इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए कटकी को पानी में उबालकर या फिर पिसी हुई कटकी को नीम गर्म पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसके पाउडर को घी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीन, वजन कम करें। अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और इससे निजात चाहते हैं तो कटकी के इस्तेमाल से बेहतरीन और कुछ भी नहीं हो सकता। कटकी का इस्तेमाल निजाम हाजमा को बेहतर बनाता है। इसमें फाइबर की वाफर मिकदार मौजूद होती है। ये गैस्ट्रिक मसाइल को दूर करके मेटाबॉलिज्म में इजाफा करता है और जिस्म की इजाफी चर्बी को कम करता है। कटकी का बाकायदा इस्तेमाल सही खुराक और वर्जिश के साथ वजन कम किया जा सकता है। इसको पानी में उबाल कर कहवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर चार, जख्म खुश्क करें। हल्दी की तरह कटकी भी बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये जिस्म पर मौजूद जख्म को खुश्क करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके इस्तेमाल से इन्फेक्शन का खात्मा मुमकिन है। ये खारिश दूर करने के लिए भी फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से जिल्द से जुड़े कई मसाइल का हल हो सकता है। नंबर पाँच, जिगर के लिए फायदेमंद। कटकी के फवायद में सबसे अहम और बेहतरीन ये है कि कटकी जिगर के लिए बेहद फायदेमंद है। ये पित्ते के अदम तवाजन इसके मसाइल को दूर करता है। कटकी में एक अहम एंजाइम पाया जाता है जो ज्यादा मिकदार में जिगर के अफाल को यकीनी बनाता है, जहरीले मादों को साफ करता है, खराब जरासीमों की अफजाइश को महदूद करता है जो कि आपकी जिस्मानी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।